जशन सबका मगर एक जशन जियो 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 अलग टीम अलग टशन सबका मगर एक जशन सबका मगर एक जशन। नमस्कार दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जियो ने एक नया मॉडल लॉन्चिंग की तैयारी कर ली है, जियो फोन 3 के बाद में अब जियो ने नई घोषणा और कर दी है, जियो फोन 3 प्रो की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताएंगे कि जियो फोन 3 प्रो के अंदर क्या क्या एडवांस फीचर हमें देखने को मिलने वाले और किस प्रकार से हम उसको बुक कर किस प्रकार से उसकी ऑनलाइन बुकिंग कर हम भी उसका बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जियो फोन 3 प्रो की हमारी ऑनलाइन बुकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आप भी उसको बुक कर उसका बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अलग टीम अलग टशन सबका मगर एक जशन। देखिए दोस्तों, आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जियो ने एक नया ही मॉडल लॉन्चिंग की तैयारी कर ली है, जियो फोन 3 प्रो। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा काफी एडवांस फीचर के साथ हमें देखने को मिलने वाला है और जियो फोन 3 प्रो हमारा काफी ज्यादा एडवांस फीचर के साथ हमारे पबजी गेम खेलने वालों के लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। क्योंकि पबजी गेम खेलने वालों के लिए हमारा जियो फोन 3 प्रो को हमारा लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर काफी अच्छा हार्डवेयर और काफी ज्यादा एडवांस फीचर हमें देखने को मिलने वाले। जियो फोन 3 प्रो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें 8GB रैम और 512GB स्टोरेज कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगी। एडिशनल मेमोरी भी इसके अंदर हम 512GB तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन भी इसके अंदर काफी ज्यादा दमदार हमें देखने को मिलने वाला है। 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा इसके अंदर रखा गया है। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो वो भी काफी अट्रैक्टिव इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि 64 मेगापिक्सल विथ LED फ्लैश लाइट के साथ इसके अंदर सेल्फी कैमरा रखा गया है, जिससे अगर हम कोई भी क्लिक करेंगे तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव क्लिक हमारी होने वाली है। अब बात करते हैं जियो फोन 3 प्रो को किस प्रकार से बुक करें। तो जियो फोन 3 प्रो बुक करने के लिए आपको जाना होगा माई जियो ऐप के पुराने वर्जन के अंदर। जैसे आप उसके अंदर जाओगे तो आपको जियो फोन 3 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, उसके अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर देनी है। आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर। जैसे ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दोगे तो नीचे सबमिट बटन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, उसको सबमिट आपको कर देना है। सबमिट करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी जियो के पास और आपके सामने 11 डिजिट का जियो फोन 3 का बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नंबर रिफ्लेक्ट होगा। उसी से आपको जियो फोन 3 प्रो और जियो फोन 3 की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसको आपको लिख लेना है या फिर आपको उसकी फोटो कैप्चर कर लेनी है। वो लेकर आपको जियो के किसी भी नियरेस्ट ऑफिस में चले जाना है, वहां पर दिखाकर आप जियो फोन 3 प्रो की प्राप्ति कर सकते हो। अब जियो फोन 3 प्रो की हमारी कीमत कितनी रहने वाली है तो आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भारत सरकार की 5G योजना के तहत हमारे जियो फोन 3 को लॉन्च किया जा रहा है और इसकी कीमत को काफी ज्यादा कम कर दिया गया ताकि हर कोई 5G मोबाइल को बिल्कुल अफोर्ड कर सके और घर घर 5G मोबाइल पहुंचाया जा सके, जिससे हमारा देश डिजिटल बन सके। तो आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जियो फोन 3 प्रो की कीमत हमारे 2100 रुपए रखी गई है, जो कि सभी के लिए अफोर्डेबल है और सभी लोग इजीली जियो फोन 3 प्रो की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी कीजिए और आप भी अपने जियो फोन 3 की बुकिंग कर आप अपने बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल से प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको बुकिंग में या फिर बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर लेने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी सारे की सारी इन्फॉर्मेशन लिख डालिए, ताकि हम आपको बिल्कुल कॉल कर सकें और आपकी मदद कर सकें कि किस प्रकार से आप भी अपने जियो फोन 3 प्रो को बुक करें और किस प्रकार से आपको बुकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।